press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जयपुर में जेडीए पार्क को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने की बात को लेकर फंसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को राहत मिल गई है। आपराधिक अवमानना के मामले से राजस्थान हाई कोर्ट ने परनामी को मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने परनामी की ओर से माफीनामा पेश करने के बाद उन्हें आपराधिक अवमानना से मुक्त किया है। वहीं कोर्ट ने परनामी को सख्त हिदायत दिए है कि वह भविष्य में इस तरह से खुलेआम बयान न दे। न्यायाधीश के एस झवेरी और वी के व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश पूनम चंद भंडारी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिए। गौरतलब है कि परनामी ने जेडीए पार्क को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर जनता के बीच में खुलेआम बयान दिया था, जबकि हाई कोर्ट ने जेडीए पार्क को पार्किंग के रूप में विकसित करने पर मना कर दिया था। परनामी ने कोर्ट में कहा कि उनका इरादा कोर्ट की अवमानना करना नहीं था, ऐसे में उन्होंने माफी मांगते हुए अवमानना याचिका का निपटारा किए जाने की अपील की, जिस पर कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।